आप कई बार सोचते हैं कि आपकी डिवाइस में 4G सपोर्ट करता है, 3G सपोर्ट करता है, 2G सपोर्ट करता है, या फिर अगर आपके स्मार्टफोन में 4G नहीं भी है तो आप 3G स्मार्टफोन में जियो का या फिर एयरटेल का हॉटस्पॉट के जरिए आप उसमें 4G सपोर्ट करवा सकते हैं। तो अगर हमारे डिवाइस में 5G सपोर्ट क्यों नहीं करता, और क्या हम इसी कोई हॉटस्पॉट के जरिए 5G सपोर्ट करवा सकते हैं? अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत भारत। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या हम हमारे डिवाइस में 5G को एज ए हॉटस्पॉट सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके पास 3G स्मार्टफोन है, अब उसमें जियो का हॉटस्पॉट या फिर एयरटेल का हॉटस्पॉट लगाया, उसमें 4G काम करने लग गया, क्या हम ऐसा 5G के साथ कर सकते हैं कि हमारे डिवाइस में हम कोई 5G हॉटस्पॉट लगाएं, उसके जरिए हमारे डिवाइस में 4G सपोर्ट करें? तो देखिए, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो 5G की स्पीड है वो कहा जा रहा है कि 6GB और से 10GB के बीच में होने वाली है, मगर जो आपकी डिवाइस में जो वाईफाई सपोर्ट करता है उसकी डिवाइस इतनी नहीं होती है। अगर आपके फ़ोन में वाईफाई डिवाइस N है, जो नॉर्मल सभी डिवाइस में होता है, अगर आपके डिवाइस में ये है तो आपकी डिवाइस की स्पीड होगी 300 Mbps। अगर आपके में ड्यूल बैंड वाईफाई है तो आपकी स्पीड यानी ड्यूल बैंड वाईफाई यानी AC, तो यानी कि उसमें आपकी स्पीड होगी 1 से 2 Gbps के बीच में। जो 6G की स्पीड है वो होने वाली है 6GB से 10GB के बीच में। तो हम वाईफाई हॉटस्पॉट के जरिए इसमें 5G सपोर्ट नहीं करवा सकते। तो अब हम सोचते हैं कि आखिर हमारे डिवाइस में 4G सपोर्ट करता है तो हम इसमें 5G सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? देखिए, 5G सपोर्ट और जो 4G है उसके जो प्रोसेसर में अंतर होता है, जो प्रोसेसर होता है वो अगर 6GB से 10GBPS की स्पीड को हैंडल कर सकता है, या फिर 30 GHz 60 GHz की बैंडविड्थ को सपोर्ट कर सकता है, तो आप उस डिवाइस में डेफिनेटली 5G सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका डिवाइस इतनी ज़्यादा गीगाहर्ट्ज को सपोर्ट नहीं करता, या फिर आपके डिवाइस इतनी गीगाहर्ट्ज सपोर्ट करने के लिए बना ही नहीं है, आपका CPU भी स्कीम के लिए तैयार नहीं किया गया है, तो उसमें आप 4G ही चला सकते हैं, 5G नहीं चला सकते। अब हम बात करते हैं कि जो 4G नेटवर्क है वो काम कैसे करता है। 4G नेटवर्क आपको पता ही होगा, जितने भी आपके आसपास जितने भी टावर हैं उन पर 4G नेटवर्क लगाया जाता है, यानी वहाँ पर सिग्नल बूस्टर लगाए जाते हैं। जो एक मेन सिग्नल होता है वो सर्वर से छोड़ा जाता है, उसके बाद वो केबल्स के जरिए आपके जो ऑपरेटर वहाँ तक आता है और ऑपरेटर उसे आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। मगर जो 5G उसमें इसकी सारी चीज़ चेंज होने वाली है, यानी कि जितने भी एग्जिटिंग टावर हैं जिसके अंदर आपको 3G और 4G सपोर्ट मिलता है, उन टावर से आपको 5G सपोर्ट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 5G की गीगाहर्ट्ज़ ज़्यादा होती है और जितनी ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ होती है उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो उतनी कम होती है। यानी कि अगर आप किसी कोई नेटवर्क है उससे ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करना चाहते हैं तो उसकी स्पीड आपको उतनी नहीं मिलेगी। अगर आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए तो आपको ज़्यादा पास टावर लगाने होंगे। यानी कि अगर आप 5G लेना चाहते हैं तो आपको आपके घर पर एक अलग से राउटर दिया जाएगा जो आपके घर पर आपके 5G कवरेज को देगा, या फिर अगर कोई बड़ी बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग के अंदर ही उन टावर को इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि उस पूरी बिल्डिंग के अंदर 4G या 5G नेटवर्क आ सके। ये है 5G नेटवर्क। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि आपके डिवाइस में 4G सपोर्ट करता है, उसमें 5G सपोर्ट क्यों नहीं कर सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।